ब्रह्मास्त्र की सफलता के बाद आलिया भट्ट फिर हमें एक नई फिल्म में नजर आने वाली हैं, जिसमें कि आलिया भट्ट के साथ साथ रणवीर सिंह भी देखने को मिलने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के बारे में, जो कि आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की नई अपकमिंग फिल्म होने वाली है। इस मूवी में हमें एक से बढ़ के एक कलाकार नजर आने वाले हैं। इस मूवी की फीमेल लीड कास्ट आलिया भट्ट रहेंगी, वहीं मेल लीड कास्ट करते हुए हमें रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं, और साथ ही साथ धर्मेंद्र और शबाना आजमी और जया बच्चन भी इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाली है। काफी टाइम पहले ये मूवी चर्चा में थी कि हमें 2022 के लास्ट तक ये मूवी मिल जाएगी, लेकिन मूवी में थोड़ा डिले होने की वजह से ये मूवी हमें 2023 में मिल जाएगी। जहां इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं करण जौहर, वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है धर्मा प्रोडक्शन के अंदर। मूवी की स्टोरी बेस्ड ऑन होने वाली है रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के ऊपर। हालांकि बॉलीवुड में ऐसी मूवीज बन चुकी है, जैसे की आप सभी ने देखा होगा अजब प्रेम की गजब कहानी, जिसमे की हमें कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर देखने को मिले थे, वैसे ही इस फिल्म में भी हमें रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलने वाला है। आलिया के प्रेगनेंसी के बाद उनकी ये फर्स्ट मूवी होने वाली है, और वहीं बात करें रणबीर सिंह की तो उनकी हाल ही में एक फिल्म आई थी सर्कस, जो कि बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। तो देखते हैं कि इस मूवी में रणबीर सिंह क्या कमाल दिखाते हैं। अगर वहीं बात किया जाए कि मूवी कब आने वाली है और साथ ही साथ मूवी का टीजर या ट्रेलर कब आने वाला है, तो अभी इसका तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि इस टाइम फिलहाल में अभी इस मूवी का शूटिंग चल रहा है। मेकर्स ने ट्रेलर या टीजर के बारे में कोई अनाउंसमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि मूवी को रिलीज किया जाएगा 28 अप्रैल 2023 में। जिस हिसाब से मूवी हमें इतनी जल्द मिलने वाली है, उस हिसाब से देखा जाए तो मूवी का ट्रेलर या टीजर बहुत जल्द भी हमें मिल सकता है। आप सभी की क्या राय है इस मूवी को लेकर, हमें कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए सिनेमा विद रीति में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।